टुडे वी स्टार्ट सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। थ्योरम है यदि जी स्टार एक समूह है तो इसमें तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। प्रूफ। माना कि ए बिलोंग टू जी के लिए E1 तथा E2 दो तत्समक है। चूंकि जी एक समूह है इसलिए E1, E2 बिलोंग टू जी। यदि E1 को तत्समक माना जाए तथा E2 कोई अन्य अवयव है तो E1 star E2 = E2 star E1 = E2। इसी प्रकार यदि E2 को तत्समक माना जाए तथा E1 कोई अन्य अवयव है तो E1 star E2 = E2 star E1 = E1। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E1 star E2 = E2 star E1 इंप्लाइज दैट E1 = E2। अर्थात यदि किसी समूह जी में सक्रिय स्टार के लिए E1 और E2 दो तत्समक माना है जो इम्प्लाई करता है E1 = E2। अर्थात यह सिद्ध होता है कि तत्समक अवयव अद्वितीय है। इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सेकेंड थ्योरम है इसमें कि यदि जी स्टार एक समूह है तो इसका बी पार्ट सिद्ध करेंगे कि एवरी इनवर्स एलिमेंट इज यूनिक। माना कि जी स्टार एक समूह है तथा किसी एक अवयव ए बिलोंग टू जी के लिए माना कि बी व सी दो तत्समक है
तो किसी अवयव ए के लिए अपन मान ले, माना कि ए का प्रतिलोम बी है, जी के लिए माना कि बी तथा सी दो प्रतिलोम है, ठीक है। तो ए बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई बाय जी फोर। दोबारा अपन मानते हैं कि माना कि ए बिलोंग टू जी के लिए किसी अवयव ए का प्रतिलोम सी है, तो ए बिलोंग टू जी सी बिलोंग टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक और दो से ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार सी बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इम्प्लाइज दैट बी बराबर सी। अर्थात किसी एक अवयव ए के दो प्रतिलोम मानने पर अपन देखते हैं कि बी बराबर सी है, इसलिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। थर्ड इसकी थ्योरम है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जिसे उत्क्रमण नियम भी कहते हैं। माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए ए तथा बी का प्रतिलोम क्रमशः ए इनवर्स व बी इनवर्स हो, तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई। यदि बी का प्रतिलोम बी इनवर्स हो तो बी स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई तथा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स बाई जी टू इज इक्वल टू
ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार ई स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार ई स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इसका मतलब बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स अवयव ए स्टार बी का प्रतिलोम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए स्टार बी, जो कि दिए हुए प्रमेय को सिद्ध करता है। जैसे जो पसीना, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी ग्रुप जी स्टार के प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली समूह है। ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, ठीक है ना। दिया हुआ है अपने ग्रुप में कि प्रत्येक अवयव ए के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई, चूंकि ए बिलोंग टू जी इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग टू जी, इसलिए ए इनवर्स ए स्टार ए इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई इंप्लाइज दैट ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई इंप्लाइज दैट ए इनवर्स स्टार ए आइडेंटिटी एलिमेंट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई ए स्टार ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। अर्थात यदि ए किसी समूह जी को बिलोंग करता है तथा साथ में इस आइडेंटिटी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई को सेटिस्फाई करता है, तो ये सिद्ध होता है कि ए बराबर ए इनवर्स, यानी कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम समान होगा। माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग टू जी, चूंकि संवर्त नियम का पालन करता है। बाई जीवन, अब ए स्टार बी बिलोंग टू जी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी। दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू
ए स्टार बी। चूंकि अपने को दिया हुआ है ए इनवर्स बराबर ए तथा बी इनवर्स बराबर बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी। चूंकि बी इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स बराबर ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, अतः इससे सिद्ध होता है कि जी है वो एक क्रम विनिमेय गुणधर्म को संतुष्ट करता है। बहुत है।